राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सब कुशल होंगे इसी आशा के साथ। आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री से संबंधित कुछ सवालों के जवाब। जैसे कि हम सब वट सावित्री व्रत करते ही हैं, विशेष इसका महत्व है। सुहागिन महिलाएं अपने संतान प्राप्ति के साथ साथ पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत अपने आप में श्री हरि विष्णु त्रिदेवों की कृपा प्राप्त करने वाला होता है। इस व्रत में गौरी गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है, उसके पश्चात त्रिदेवताओं का पूजन किया जाता है। वट वृक्ष का इस व्रत में विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री के पति सत्यवान ने प्राण उनके यमराज जी लेकर गए थे। उसके पश्चात वट वृक्ष के नीचे ही उनके प्राण यमराज जी ने सावित्री को सत्यवान के प्राण लौटाए थे। वट वृक्ष का अपने आप में धार्मिक महत्व है। विशेष रूप से समस्त देवताओं का वास वट वृक्ष के नीचे माना जाता है, त्रिदेवों का वास वट वृक्ष में माना जाता है। इस दिन वट का पूजन किया जाता है, वट वृक्ष का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, परिक्रमा की जाती है। समस्त रोली मोली चंदन इत्यादि मिष्ठान इत्यादि से वट के वृक्ष की पूजन किया जाता है, परिक्रमा की जाती है। उसके बाद अपने व्रत को पूरे दिन करने के बाद शाम को खोला जाता है। इस तरह से वट का यह पूजन किया जाता है। मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि वट का वृक्ष ना मिले तो क्या करें। उसके बाद सवाल आता है कि वट सावित्री व्रत के दिन क्या हमें नमक खाना चाहिए, वट के वृक्ष की हमें किस तरह से पूजन करना चाहिए, किस दिशा की ओर हमें परिक्रमा करनी चाहिए, वट वृक्ष की हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, यह भी बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। साथ ही सुहाग की सामग्री का हमें क्या करना चाहिए, प्रथम बार अगर शादी के बाद हम व्रत कर रहे हैं तो इस तरह से करें। कई तरह के मन में सवाल आए हैं, उनमें से कुछ सवालों को कवर करने का मैं आज कोशिश करूंगी। यह पार्ट वन है। अगर इसके अलावा आपके कुछ सवाल हो मन में तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दूसरे वाले वीडियो में इसको देने की कोशिश करूंगी। मैंने कुछ लिख रखी है कि वट कौन कौन से सवाल मोस्टली पूछे जाते हैं, मन में आते हैं। तो उनमें से सबसे पहला सवाल है कि क्या वट सावित्री व्रत के दिन नमक खा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। तो सर्वप्रथम, किसी भी व्रत में नमक खाना वर्जित माना गया है, शास्त्रों में यह पूर्ण रूप से वर्जित है। नमक किसी भी व्रत में नहीं खाना चाहिए, परंतु कुछ जन है, जैसे कि क्षेत्र रीति, राष्ट्र रीति और कुल नीति, ये कुछ नीतियां होती हैं जो राष्ट्र के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, परिवार के अनुसार, कुल के अनुसार बदलती रहती है। तो उसी में आता है नमक खाना चाहिए या नहीं। नमक खाना पूर्ण रूप से तामसिक चीज है। वट सावित्री के व्रत में रात्रि को आप नमक वाला भोजन कर सकते हैं, उसके बाद व्रत के बाद उस रात्रि नमक का भोजन नहीं किया जाता है, यह पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। सात्विक भोजन किया जाता है, मीठा भोजन खाया जाता है, नमक वट सावित्री के व्रत में नहीं खाया जाता। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, किसी कारण से नहीं खा सकते, तो सेंधा नमक मिश्रित करके आप खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सवाल आता है कि वट वृक्ष की कितनी परिक्रमा हमें करनी चाहिए। जैसा कि शास्त्रों में मंदिर की परिक्रमा के लिए मैंने पहले एक वीडियो दिया है, किस चीज की कितनी परिक्रमा हमें करनी चाहिए, जैसे कि मंदिर की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, श्री हरि विष्णु के मंदिर की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, संपूर्ण सूर्यदेव को जल चढ़ाने की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, संपूर्ण वीडियो मैंने इससे पहले दिया है आप सबको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगी। तो वट का वृक्ष को आपको परिक्रमा हमेशा वट के पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा की जाती है। इसके अलावा आप ज्यादा करना चाहें तो 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 101 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, अपनी इच्छा पर आधारित है। पर पूर्ण रूप से यह वर्णित है शास्त्रों में कि वट वृक्ष की परिक्रमा 7 करनी चाहिए, पीपल वृक्ष की भी परिक्रमा 7 करनी चाहिए। पीले रंग का जो डोरा आता है सूत का, उसको लेकर, या मोली हो तो उसको लेकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। अब सवाल आता है दूसरा सवाल, किस तरफ से हमेशा दाहिनी तरफ से बाई ओर हमें परिक्रमा करनी चाहिए। यह बात पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णित है और क्लियर है। इसके अलावा क्या सवाल आता है कि वट का वृक्ष ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। वट का वृक्ष आपको ना मिले, जैसे कि लॉकडाउन है, हम लोग महानगरों में रहते हैं,
तो हर जगह नहीं मिल पाता है और इन दिनों तो लॉकडाउन है तो पॉसिबल नहीं है बाहर निकल के पूजा करना। डर भी है एक मन में कि कोविड का खतरा है, तो आप मंदिर ना जाना चाह रहे हो, डर लग रहा हो, बहुत ज्यादा भीड़भाड़ होती है एरियाओं में मंदिर, क्योंकि व्रत का दिन है, सब लोग जाते ही हैं, तो आप उससे पहले दिन एक दिन आप एक पीपल के वृक्ष आसपास हो कहीं दूर हो डंडी लाकर अपने घर पर रख लीजिए। पीतल का एक कलश आता है उस पर स्थापित कर लीजिए उसको, या उस टहनी को आप किसी गमले में भी लगाकर उसकी परिक्रमा कर लीजिए, उसका पूजन कर लीजिए। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया पीपल का वृक्ष ना मिले तो क्या करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है कि पीपल का वृक्ष ना मिले तो क्या करें। बाजार में पोस्टर मिलता है, वट सावित्री, यमराज, सत्यवान, इनकी सारी कथा का एक तरह से उसमें एक जो भी चित्रित हुआ है वो सारी जानकारी उस पर दिए रहते हैं, वो मिल जाए, उसमें वट का वृक्ष लगा होता है तो आप उसका पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी ना मिल पाए कोई दिक्कत नहीं है, एक सफेद रंग का कागज ले लीजिए, उसके ऊपर वट के वृक्ष को उकेरने की कोशिश कीजिए, मन ही मन ध्यान कीजिए, प्रभु इस समय यह कंडीशन है, इस तरह की परिस्थितियां हैं, वट के वृक्ष का साफ सुथरे मन उसमें आकलन कर लीजिए और उस पर एक पेड़ के रूप में वट के वृक्ष को बना लीजिए और उस पर रोली, चंदन, मोली इत्यादि वट के वृक्ष के रूप में उसका पूजन कर सकते हैं। इस तरह से यह किया जाता है। इसके अलावा वट की टहनी ला सकते हैं, पेड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वहां जाकर पूजन कर सकते हैं, ना मिल पाए तो आप इस तरह से वट के जो वट के वृक्ष का एक चित्र ले लीजिए उसको आधार मानकर कर सकते हैं। त्रिदेवों का पूजन किया जाता है, उसके नीचे वहां पर साफ सुथरा कपड़ा बिछा लीजिए और उस पोस्टर को रख दीजिए और वहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। ये रही, अब इसके बाद आता है सुहाग की सामग्री किसे ले। सुहाग की सामग्री आप पहली बार व्रत कर रहे हो, सबसे पहले पूजन कर लीजिए, वहां पर रख दीजिए, प्रतिष्ठा इत्यादि सारी चीजें उस पर अर्पित करना चाहिए। प्रतिष्ठा के बाद उसके ऊपर समस्त चीजें रख लीजिए, सारी गौरी गणेश को माँ को चढ़ाइए, 16 श्रृंगार की सारी सामग्री ले लीजिए। आपके कैसा चलन है इस तरह का, सबसे पहले तो ये चीजें पुरोहित पत्नी को दी जाती हैं, उनकी धर्म पत्नी को ये सारी चीजें दी जाती है, समस्त सुहाग की सामग्री, क्योंकि इस दिन सुहाग की सामग्री दान करना बेहद फल देने वाला माना जाता है। इसके पश्चात थोड़ा सा उसमें से आप अपनी जेठानी, अपने से बड़ी सास जो सुहागिन हो, या अपने आसपास की सहेलियों को दे सकते हैं, कुछ उसमें से चीजें आप ब्राह्मण पत्नी को दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। ये कुछ सवाल थे जो बट के वृक्ष में नमक, हाँ सारे करीब करीब इसमें सॉल्व हो गए हैं। इसके अलावा आपके कुछ सवाल हो तो मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा, दोबारा मैं देने की कोशिश करूंगी। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर